बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, यूज़ द मैकलॉरिन सीरीज़ फॉर ई ऑफ एक्स टू शो दैट द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज़ 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एज ई। हमारे साथ ये ई की वीडियो है, ई हमारे साथ इसके बराबर है। तो मैकलॉरिन सीरीज़ से हमने ई पावर एक्स एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंड करना है और ये प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर यूज पार्ट ए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई की फाइनल वैल्यू जो 2.7418 है वो मालूम करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपके सामने मैकलॉरिन सीरीज़ लिखता हूँ। तो मैकलॉरिन सीरीज़ हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स नाट प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नाट एंड सो ऑन। तो इसके लिए फंक्शन हम गिवन है एफ इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स नाट मालूम करता हूँ। एफ ऑफ एक्स नाट का मतलब ये है कि एक्स की जगह जीरो पुट कर लेते, एनी थिंग पावर जीरो विल बी इक्वल टू वन। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट, एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट का मतलब ये है कि इसका डिरावेटिव डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स हमें पता है इसका डिरावेटिव ई ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट का मतलब ये है कि इस एक्स की जगह जीरो फुट कर ले, तो ई पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सिमिलरली एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नाट, ये हमारे साथ ये भी ई पावर एक्स के बराबर है क्योंकि ई पावर एक्स का दोबारा डिरावेटिव ई पावर एक्स आता है। और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नाट का मतलब ये है कि एक्स की जगह जीरो पुट कर लें। इस तरह अगर हम एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नाट, वो भी ई पावर एक्स आएगा और ई पावर जीरो वन। इस तरह एफ फोर सारी वैल्यू हमारे साथ वन, मतलब हम एफ ऑफ एक्स नाट, एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट, एफ डबल प्राइम, एफ ट्रिपल प्राइम, एफ फोर प्राइम, जितनी भी हो उन सब की जगह हम वन पुट करेंगे। तो मैकलॉरिन सीरीज हमारे साथ एफ ऑफ एक्स हमें पता है कि ई पावर एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ई पावर एक्स पुट कर दिया, इसके जगह मैं वन पुट करता हूँ प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट की जगह मैं वन पुट करता हूँ प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट की जगह मैं वन पुट करता हूँ एक्स क्यूब बाई थ्री और एफ प्राइम ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नाट की जगह वन क्यूब, ये वन स्क्वायर दोबारा वन आता है, ठीक है। तो ई पावर एक्स यहाँ पे ई पावर वन, ई की वैल्यू मालूम करना है तो पुट ई इज इक्वल टू पुट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये बन जाएगा ई पावर वन मतलब वन, वन प्लस एक्स की जगह वन, तो ये वन आ जाएगा। तो ये वन मैं लिख सकता हूँ वन बाई वन फैक्टोरियल इसे फॉर्म में, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये टू फैक्टोरियल, ये थ्री मैंने गलत लिखे है, ठीक है, ये टू फैक्टोरियल है, ये थ्री फैक्टोरियल है, ठीक है। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह वन फुट कर ले तो ये वन बाई टू फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह अगर यहाँ हम वन फुट कर ले तो ये वन बाई थ्री फैक्टोरियल, इस तरह वन बाई फोर फैक्टोरियल, 1 बाई फाइव, 1 बाई सिक्स फैक्टोरियल, इस तरह आएंगे, ठीक है। तो हेंस प्रूव हमारे साथ ये साबित हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। अब पार्ट बी हमारे साथ है कि ई की वैल्यू मालूम कर लें। तो मतलब यहाँ ये हम सॉल्व करेंगे, तो ई की वैल्यू हमें पता है कि ई बराबर है 1 डिवाइड बाय 1 बाई वन फैक्टोरियल प्लस 1 बाई टू फैक्टोरियल प्लस 1 बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस ये मालूम करना है। तो वन, इससे वन आता है, इससे वन बाई टू आता है, इससे वन बाई सिक्स आता है, इससे वन बाई फोर, थ्री ज़ार ट्वेल्व, ट्वेल्व टू टू ज़ार ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन। तो अगर इसको हम कैलकुलेटर से मालूम कर लें और फिर ऐड कर लें, वन प्लस वन टू पॉइंट फाइव मतलब टू पॉइंट सेवन फोर वन एट, हमारे साथ इसका आंसर आता है अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।